जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, एनसीईआरटी से मुगल शासकों के चैप्टर हटा दिए गए हैं और अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के छात्र मुगलों के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। एनसीईआरटी ने 2023-24 के सत्र के इतिहास के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है और मुगल शासकों के चैप्टर्स को 11वीं और 12वीं के सिलेबस से हटा दिया है। अब इतना सब हो जाए और स्वरा भास्कर को मिर्ची ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्वरा भास्कर ने तुरंत ट्वीट कर दी। ट्वीट में उसने लिखा, इस देश में अंतहीन जहालत है, जाहिलों को वोट दो, हर संस्था को जाहिल बनाओ, जाहिलों को पैदा करो, यह एक अंतहीन चक्र है। अब बता दे कि एनसीईआरटी ने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए नया सिलेबस शेयर किया है और थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से मुगल दरबार और उनके इतिहास से जुड़े सभी चैप्टर्स को हटा दिया है। फिल्म मेकर विनोद कापरी ने भी इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि फिर मुगलों की बनाई सारी इमारतें भी ढहा देनी चाहिए। वेल दोस्तों, आप स्वरा भास्कर के ट्वीट पर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।